संख्या है और क्या कुछ स्थितियां हैं इसमें। जो अभी हम लोगों ने लास्ट सैंपल का स्लॉट भेजा था, 9 सैंपल्स का, उसमें से रिपोर्ट आज शाम को प्राप्त हुई है। उसमें 3 पॉजिटिव आई हैं, बाकी 6 नेगेटिव आए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसमें जो पहला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया था, हसनैन अली, जिसकी उस समय तक मृत्यु हो गई थी, 30 मार्च को ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसमें जब हम लोगों ने इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी तो इनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों को हमने ट्रेस आउट किया था और उनके सैंपल भेजे गए थे। तो आज जो 3 केस पॉजिटिव आए हैं वो हसनैन अली के एक माताजी हैं और 2 उनके सगे भाई हैं। तो ये उसी समय से ये लोग को हम लोगों ने इनको आइसोलेट कर रखा है अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में। तो कुल मिला करके आज की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ 5 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। बीच में एक सिराज अहमद, जो हसनैन अली के मित्र बताए गए हैं, वो भी, उनका भी सैंपल भेजा गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, वो भी पॉजिटिव आए थे। सिराज अहमद भी हमारे जो कोविड L1 की फैसिलिटी उसमें वो भी आइसोलेट है इस समय। तो ये जो 5 केस आए हैं उनमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है और 4 लोग जो आइसोलेट हैं। इसके अतिरिक्त और जो हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल कैरियर्स के तौर पे कुछ संदिग्धों को चिन्हांकित किया था, तो वो इन 3-5 इन 4 के अलावा भी 11 लोग और हैं जिनको हम लोगों ने अभी आइसोलेट कर रखा है अपनी फैसिलिटी में। और इनके भी अभी इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जैसे इनमें से जो बचे हुए 6 लोग हैं, इनके निगेटिव आ गया है, लेकिन अभी भी हम इनको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, इसलिए हम इनको वहाँ से फ्री नहीं कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो केसेस, जैसे आपने कहा कि केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो ये बात सही है कि केस की संख्या बढ़ गई है, 2 से बढ़ के 5 हो गई है, लेकिन ये 3 केस वही थे जिनको हम लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में पाया था और हमारा अनुमान था कि इन 9 लोगों में से कोई ना कोई कैरियर निकलेगा, तो इसीलिए उनको एहतियातन हम लोगों ने पहले से क्वारंटाइन कर रखा था। तो ये मेरे हिसाब से सिर्फ ये साबित करता है कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सही दिशा में थी और हमने जिनको चिन्हांकित किया था वो गैस हमारा सही था। सर, इन मोहल्लों में क्या एहतियात बरता जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिले हैं?